नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सर्दियां शुरू होते ही ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए जो शरीर को गर्म रखने के साथ साथ मौसमी बीमारियों को भी दूर रख सके। सर्दियों में अदरक के सेवन से सर्दी जुकाम और खांसी आदि की परेशानियां कम होती हैं। अदरक में भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। इसको खाने से शरीर गर्म रहता है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। सर्दियों में लोग अदरक का तो काफी प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सूखी हुई अदरक का पाउडर यानी सॉल्ट भी शरीर के लिए काफी हेल्दी होता है। इसको दूध में मिलाकर लेने से शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है, पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। तो आइए जानते हैं आज हम इस वीडियो में कि सर्दियों में सौंठ वाला दूध पीने के कुछ फायदों के बारे में। इम्यूनिटी करे मजबूत। सर्दियों में सौंठ वाला दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। सर्दियों में इसको पीने से मौसमी बीमारियां दूर होती हैं। सौंठ वाले दूध को रोज आसानी से पिया जा सकता है। इसको पीने से शरीर गर्म रहता है। पाचन तंत्र रखे मजबूत। अदरक खाने से पाचन शक्ति मजबूत रहती है। वहीं सौंठ वाला दूध नियमित पीने से कब्ज, अपच और पेट दर्द आदि से राहत मिलती है। सौंठ वाला दूध भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो सौंठ वाला दूध का सेवन अवश्य करें। ब्लड प्रेशर को रखे कंट्रोल। सौंठ वाला दूध पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। सौंठ में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो खून को पतला करके ब्लॉटिंग से बचाव करने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलती है। सौंठ वाला दूध शरीर को स्वस्थ रखता है। गले की खराश दूर करें। सर्दियों में अधिकतर लोगों को गले में खराश और दर्द की समस्या होती है। ऐसे में रात को सौंठ वाला दूध पीने से समस्याएं ठीक होती हैं। सौंठ में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गले के बैक्टीरिया को दूर करके खराश की समस्या को आसानी से ठीक करते हैं। सर्दियों में सौंठ वाला दूध पीना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।